हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिएट मेहंदी विद रोशनी। फ्रेंड्स, इस मेहंदी ट्यूटोरियल में हमने अभी तक की क्लासेस में देखा शेप्स कैसे बनाते हैं, फ्लावर्स कैसे बनाते हैं और स्ट्रिप्स कैसे तैयार करते हैं। आज हम वो शेडिंग किस प्रकार से की जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी तक की आपने क्लासेस नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिए एंड उन वीडियो को वॉच आउट कीजिए। वो वीडियो काफ़ी आपको मेहंदी सीखने में हेल्पफुल होगी और आज की वीडियो को भी आप लास्ट तक देखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपकी मेहंदी में काफ़ी इम्प्रूव आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। का फर्स्ट शेडिंग स्टाइल है इस प्रकार से, जो मैंने क्रिएट किया हुआ है आप देख सकते हैं। इसमें आपको किस प्रकार से शेडिंग करनी है, आपको इन शेप्स की एंड शेडिंग स्टाइल की प्रैक्टिस करते रहनी होगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे कोई भी चीज़ क्लैरिटी के साथ नहीं बनेगी। तो हम नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं और हम किस प्रकार से पेंसिल को होल्ड करेंगे, कहाँ से हम फिलिंग करना स्टार्ट करेंगे शेडिंग की, देखते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक डिज़ाइंस हैं जिसके अंदर मैं आपको फिलिंग करना बता रही हूँ, शेडिंग की किस प्रकार से की जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही जल्दी बनने वाली स्टाइल है, पैटर्न है। आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बनने लगेगी। फ्रेंड्स, आपको पेंसिल को इस प्रकार से स्लांट फॉर्म में पकड़ना है, ना कि इस प्रकार से वर्टिकल फॉर्म में। और आप इसे हॉरिजॉन्टली भी इस प्रकार से रख सकते हैं और स्लांट फॉर्म में भी इस प्रकार से रख सकते हैं। तो अब आपको फिलिंग करनी है कॉर्नर से, आपको फिलिंग करते हुए जाना है। Thank you.
आप प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी मेहंदी सीखने में और शेडिंग करने में। फ्रेंड्स, ये हमारी शेडिंग का फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद हम सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे शेडिंग का, जिसमें हम कुछ और डिज़ाइन सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आज के वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा कि किस प्रकार से शेडिंग की जाती है। और फ्रेंड्स, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जो आज का वीडियो था उसका शेडिंग स्टाइल का ये फर्स्ट पार्ट था और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे शेडिंग स्टाइल का सेकेंड पार्ट। तो उसमें जो भी बेसिक शेप्स हैं और किस प्रकार से शेडिंग की जाती है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और गाइस, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप वीडियो को मेरी वीडियो को वॉच आउट करते हैं, तब आप एक पेपर ले लीजिए, एक पेंसिल ले लीजिए और वीडियो के साथ साथ आप उसमें ड्रॉ करते जाइए, बनाते जाइए और देखते जाइए कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। इस प्रकार से आपकी क्लैरिटी भी आएगी आपकी मेहंदी में और आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।